त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत हजारीबाग जिले में प्रथम चरण का मतदान 14 मई को होना है। मतदान की अंतिम तैयारियों व व्यवस्थाओं को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नैन्सी शाह ने समाहरणालय सभागार में प्रेस वार्ता की। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के तहत हजारीबाग जिले में 3 चरणों में मतदान एवं 2 चरणों में मतगणना संपन्न किया जाना है। प्रथम चरण के तहत बरही अनुमंडल क्षेत्र के 5 प्रखंडों तथा चौपारण, बरही, परकठा, चरकुस्सा एवं पद्मा में 14 मई को प्रातः 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक बैलेट बॉक्स के माध्यम से मतदान संपन्न होगा। वही 17 मई को कृषि बाजार समिति प्रांगण में मतगणना का कार्य प्रातः 8 बजे से प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया सभी 5 प्रखंडों में 1048 बूथों पर पीठासीन पदाधिकारियों के अलावे 3 मतदान पदाधिकारी के माध्यम से चुनाव संपन्न कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी 5 प्रखंडों के 1048 बूथों पर पीठासीन पदाधिकारी के अलावे 3 मतदान पदाधिकारी के माध्यम से चुनाव संपन्न कराया जाएगा। 1048 पोलिंग पार्टी के साथ साथ 10% कमी रिजर्व में रखे गए हैं। 1048 बूथों को 184 सेक्टर में बांटकर सेक्टर मजिस्ट्रेटों के प्रतिनियुक्ति पुलिस बल के साथ की गई है। उन्होंने कहा 14 मई को होने वाले मतदान संपन्न कराने के लिए 13 मई को पोलिंग पार्टी को डिस्पैच किया जाएगा, जिसके लिए द्वितीय रेंडमनाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर पोलिंग पार्टी का गठन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पद्मा एवं चौपारण प्रखंड के लिए विनोबा भावे विश्वविद्यालय से एवं बरही, बरकट्ठा एवं चरकुसा प्रखंडों के सतकोलम्बक महाविद्यालय से डिस्पैच किया जाएगा। मौके पर पुलिस उपाधीक्षक मोहम्मद आरिफ इकराम ने बताया कि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के मद्देनजर 1500 के लगभग पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। वही नक्सल प्रभावित 42 तथा 50 बूथों को अति संवेदनशील एवं संवेदनशील बूथों के रूप में चिन्हित किया जाएगा, जबकि गैर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 263 तथा 499 अति संवेदन एवं संवेदनशील बूथों की श्रेणी में रखा गया है। वही चौरदाहा में अंतरराज्यीय तथा 9 चिन्हित स्थानों पर अंतर जिला चेक पोस्ट के माध्यम से निगरानी की जा रही है। स्वदेश वाणी के लिए हजारीबाग से पप्पू कुमार की रिपोर्ट। सभी पोलिंग पार्टीज का गठन हो चुका है और 13 तारीख को हमारे यहाँ डिस्पैच होगा। D-1 डे को 2 जगह पे हम लोगों ने डिस्पैच सेंटर्स बनाए हैं, एक विनोबा भावे विश्वविद्यालय और दूसरा सेंट कोलंबस कॉलेज में। विनोबा भावे में चौपारण और पद्मा इन 2 प्रखंड के डिस्पैच किए जाएंगे और बाकी 3 प्रखंड बरही, परकट्ठा एवं चलकुशा, ये 3 प्रखंड के डिस्पैच सेंट कोलंबस कॉलेज से किए जाएंगे। सभी तैयारियां ऑलमोस्ट हमारी हो गई हैं और जो फोर्स का डिप्यूटेशन है, जो हमारे संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ्स हैं, उन पर खास हम लोग निगरानी रखेंगे। वहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स और पुलिस पेट्रोलिंग के माध्यम से भी मॉनिटरिंग की जाएगी। हमारा कंट्रोल रूम बरही अनुमंडल में संचालित किया जाएगा। इस बार हमारे यहाँ कुल जो अभ्यर्थियों की संख्या है विभिन्न पदों के लिए, वो ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 1467 कैंडिडेट्स हैं, मुखिया के लिए 568 कैंडिडेट्स हैं, पंचायत समिति सदस्य के लिए 443 कैंडिडेट्स हैं और जिला परिषद सदस्य के लिए 67 कैंडिडेट्स हैं। ये सभी आपस में कंटेस्ट कर रहे हैं। सभी 4 जो हमारे पद हैं उसके लिए अलग अलग बैलेट मतपत्र बन रहे हैं और उनके अलग अलग कलर कोडिंग भी किए गए हैं। पंचायत समिति के लिए हल्का हरा, पंचायत सदस्य के लिए सफ़ेद, मुखिया के लिए हल्का गुलाबी और जिला परिषद सदस्य के लिए हल्का पीला, ये 4 कलर कोडिंग भी किए गए। हम लोग अपने स्तर पे भी 5 प्रखंडों के लिए अलग अलग कलर कोडिंग कर रहे हैं ताकि जो मतदान कर्मी रहेंगे उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, वो अपने डिस्पैच वाले दिन अपना मटेरियल और बैलेट बॉक्स लेकर ससमय क्लस्टर्स और बूथ पर पहुँच सकें। तो ये हमारी तैयारियां हैं और मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होना है। मतगणना 17 तारीख को किया जाएगा कृषि बाजार समिति हजारीबाग में, जहां हमारा ब्रजगिरी भी बन रहा है, जहां पर रिसीविंग भी किया जाएगा मतदान के पश्चात, और 17 तारीख को वही मतगणना। मतलब अधिक से अधिक लोग वोटिंग करें उसकी अपील करेंगे, क्योंकि सभी से अपील है कि निर्वाचन के इस पूरे एक कह सकते हैं आप एक त्यौहार है जिसमें आप सभी जरूर आप लोग भाग लें, पार्ट लें। जो भी हमारे वोटर्स हैं उनसे मेरा अपील है कि कृपया इसे वोट करें, अपने अपने पंचायत को, अपने अपने गांव को ज़्यादा सशक्त बनाएं। आपका मत बहुत महत्वपूर्ण, एक एक मत बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भारी संख्या में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।